Aladdin. Okay. Something which we chose that I'm really excited. Oh, okay. Hi! Okay. Okay. हाँ तो I think unfortunately वो co-host मैं ही हूँ घर की मुर्गी दाल बराबर होती है but yeah मैं ही हूँ oh really नहीं नहीं आप ज़्यादा बोल रहे हो मुझे पता है ऋत्विक इतनी तारीफ कभी नहीं करता है मेरी हम दोनों यहाँ पे रेड कार्पेट होस्ट कर रहे हैं आज और खूबसूरती के बारे में है आज का इवेंट women की खूबसूरती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो काफी लोग आएंगे और काफी मजा आएगा आप भी कोई लक्स की एक आइडल लग रही थी जब अभी आप होस्ट कर रहे हैं ये ओके थैंक यू सो मच थैंक यू ये ट्रिब्यूट दे रहे हैं women को It is kind of a tribute, but कुछ ऐसा like serious नहीं है. It is something जो सब celebrate करेंगे. काफी light है and you know, it is all happy. बस एक औरत की खूबसूरती celebrate कर रहे हैं सब. आपको क्या लगता है TV industry में कौन ज़्यादा impactful रहा है इतने सालों में women के लिए कहें? जो काफी time से टिकी हुई है. नहीं I think Ekta Kapoor. इससे ज़्यादा बेटा एग्जांपल मैं क्या दे सकती हूँ इतने टाइम से वो टीवी को यू नो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और अभी तक उनका जो चार्म है टेलीविज़न में वो ख़त्म नहीं हुआ है और इंशाल्लाह कभी ख़त्म भी ना हो बिकॉज़ या एक्ट्रेसेस में देखे जाए तो जेनिफर मेरी फेवरेट है बिकॉज काफ़ी टाइम से है वो टेलीविज़न में और अभी भी उनके लिए इतना क्रेज़ है उनके शोज़ आई लव वॉचिंग द शोज़ एंड शी इज़ सो प्रिटी आई थिंक कम्प्लीट पैकेज है जेनिफर थैंक यू आप मेरी थोड़ी ज़्यादा तारीफ कर देते हैं वैसे कभी कभार बट हाँ मतलब मेरे हिसाब से जेनिफर है आपके हिसाब से मैं हूँ तो थैंक यू सो मच मेरी ड्रेस ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल इवनिंग गाउन बनाया मेरे फ्रेंड सूर्या ने मेरे लिए और हाँ बिकॉज लक्स के बारे में है तो ऑफ कोर्स इट्स पिंक खुद के लिए फिलहाल तो मैं एज सच कुछ मैंने सोचा नहीं है बट हाँ ऐसे ही चलता रहे होस्टिंग में भी मैं घुस चुकी हूँ डांस तो कब से शुरू कर चुकी हूँ एंड कोई अच्छा शो मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल डू अवार्ड्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी आर्टिस्ट के लिए अवार्ड्स आई थिंक अवार्ड्स मायने रखते हैं काफ़ी हद तक मायने रखते हैं लेकिन मैं कभी उस अवार्ड्स के लिए इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हुई कि ओ शिट मुझे अवार्ड नहीं मिला तो हाँ मतलब जब पवित्र रिश्ता कर रहे थे हम लोग तो काफ़ी अवार्ड्स जीते हैं बट आई एम ओके विद इट मतलब हाँ ऑफकोर्स मायने रखते हैं इट इज़ लाइक यू नो आप जब काम कर रहे हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है आपको अवार्ड से आई थिंक जब ये दो साल ख़त्म होने वाले होंगे तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा मतलब ऑफकोर्स पता चलेगा लेकिन बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ हो जाएगा जब भी होगा बट हाँ अभी दो साल और नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है जब ऐसा दिमाग में आएगा कि चलो कर लेते हैं तो बता देंगे हम जी हाँ मुझे होस्ट करने दो ना थैंक यू हज़ार का छुट्टा अभी तक तो फिलहाल मुझे ऐसी कुछ आई नहीं है ज़रूरत जो भी शॉपिंग कर रही हूँ मैं सीधा सुपर मार्केट में जाके कार्ड से कर रही हूँ तो लकीली मतलब वो बैंक के जो इतने लंबे लंबे क्यू सुबह सुबह देखने को मिलते हैं तो वहाँ जाने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप मतलब आई नो कि वो जो परेशानी लोगों को हो रही है वो मैं फ़िलहाल नहीं महसूस कर पा रही हूँ तो शायद मैं ज़्यादा कुछ ना ही बोलूँ तो अच्छा है बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप और जितने भी ब्लैक मनी रखने वाले हैं ये जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं ये थोड़ा कम होगा एंड थोड़े दिन की परेशानी है ऑफकोर्स बट आई थिंक इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ कंट्री ओके और क्वेश्चंस पूछोगे आप जी हाँ आई कॉल
Left side.